नमस्कार दोस्तों, तो आपका दोबारा स्वागत है हैशटैग टैग वेडनेसडेज, मतलब टैग का थोड़ा और ज्ञान। ये एक सीरीज की तरह बनाया गया है कि कोई भी चैप्टर अगर आप कॉमर्स बाबा पे आके उठाओगे तो यार तीन वर्ड्स पॉपुलर हो जाने चाहिए, ये आपका काम है। पहला भाइयों, हैशटैग सीएसके मंडेज, मतलब चलो शुरू करें। दूसरा, हैशटैग टैग वेडनेसडेज, मतलब थोड़ा और ज्ञान। और लास्टली, हैशटैग बीजेपी फ्राइडेज, हैशटैग बिना जुगाड़ पढ़ाई। यानी एक चैप्टर के बस ये तीन वीडियोस देख लो, आपकी पढ़ाई की पूरी जुगाड़ गारंटेड है। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं जो हमने एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चैप्टर चालू किया था दूसरी क्लास में। लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो हमने बैलेंस शीट याद की थी, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया है कि बैलेंस शीट बहुत इंटेग्रल पार्ट है। जब भी आप बात करोगे किसी भी चैप्टर की, रेशियोस करना है, कैश फ्लो करना है, कंपनी अकाउंट्स करना है, जिसके अंदर डिबेंचर्स भी आता है, बिना बैलेंस शीट याद किए नहीं कर सकते। तभी बाबा जी इतना एम्फसाइज कर रहे हैं, हाँ अगले हफ्ते से पार्टनरशिप ही चालू हो रहा है हैशटैग सीएसके मंडे से, तब तक के लिए तो बैलेंस शीट और पीएनएल याद कर लो, उसके बाद सीधे वहीं जंप ऑफ करेंगे। करोगे ना यार भक्तों? तो शुरू करते हैं। हमने क्या याद किया इससे पहली वाली क्लास में? पहला मेजर हेड होता है एक्विटी एंड लायबिलिटीज, दूसरा मेजर हेड होता है एसेट्स। एक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर तीन मेजर पार्ट्स होते हैं, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लायबिलिटीज एंड करेंट लायबिलिटीज। क्यों होती है, क्या होती है, ऑपरेटिंग साइकिल के आसपास कैसे रिवॉल्व होती है, तुम सबको पता है। फिर एसेट्स के अंदर हमने पढ़ा दो मेजर हेड्स होते हैं, पहला नॉन करेंट एसेट्स और दूसरा करेंट एसेट्स। यहां तक हमारी बैलेंस शीट तैयार थी। आज हम थोड़ी सी डिटेलिंग पढ़ेंगे, जैसे सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड। अब ये शेयर होल्डर्स फंड होता है ओनर का पैसा। नई बैलेंस शीट के कार्यक्रम के अनुसार आप शेयर होल्डर्स फंड को दो पार्ट में विभाजित करेंगे, अंग्रेजी में मतलब होता है डिवाइड। यानी पहला पार्ट जो होगा वो आपका होगा शेयर कैपिटल का, जैसे कि लिखा हुआ है। ये शेयर कैपिटल सिर्फ कैपिटल को शो करेगा, पिछले 11th क्लास जैसे इसके अंदर प्रॉफिट ऐड नहीं होगा। शेयर कैपिटल लिखा, शेयर कैपिटल के भी दो पार्ट, पहला एक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एक्विटी आम जनता को इशू की जाती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल स्पेसिफिक लोगों को इशू की जाती है। बात की डिटेलिंग कंपनी अकाउंट्स करेंगे तब डिटेल में देखेंगे एक्विटी और प्रेफरेंस क्या होते हैं, बट अभी के लिए शेयर कैपिटल के अंदर सिर्फ कैपिटल। नेक्स्ट, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है, इसके अंदर सारे जितने भी आपने रिजर्व्स क्रिएट किए हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व या फिर आपका सरप्लस जो बचा हुआ है प्रॉफिट से कमाया हुआ, सब इसके अंदर आएगा। ये रिजर्व्स एंड सरप्लस सारी चीजें अपने अंदर रखता है, इसके अंदर सारे फंड्स एक्सेसिव जो प्रॉफिट से अराइज होते हैं या सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह से अराइज होते हैं। जैसे और अगर एग्जांपल चाहिए हो तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ये वो चीजें हैं जो रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट होते हैं। एक बहुत ही अच्छे अकाउंटेंट हैं, जिन लोगों को टेक्निकल टर्मिनोलॉजी चाहिए होती है बाबा जी से, तो विलियम पिकल्स का आपने नाम सुना होगा। उन्होंने रिजर्व्स को काफी अच्छे से कोट करके बोला है, रिजर्व्स मींस द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड एनी अदर सरप्लसेस व्हिच आर नॉट बीइंग ईयरमार्क्ड इन एनी वे टू मीट आउट एनी लायबिलिटी नोन टू एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ मेकिंग द बैलेंस शीट। आए, मतलब क्या हुआ भाई? तो भाईचारे के टर्म में एक बार बात करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर वो मुनाफा आता है जो कि या तो प्रॉफिट से आया हो या कहीं और किसी सरप्लस से आया हो, और वो किसी भी तरीके से किसी भी लायबिलिटी के लिए गलती से भी मार्क करके ना रखा गया हो। यानी कोई भी लायबिलिटी उस पैसे पे क्लेम नहीं कर सकती है उस टाइम तक जिस दिन जिस तारीख में बैलेंस शीट बनाई गई हो, उसको नाम दिया जाता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पहला हेड एक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंदर पहला हेड शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर सबसे पहला हेड शेयर कैपिटल,
जिसके अंदर मैंने दो बताए, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उसके बाद जो शेयर कैपिटल है जस्ट उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसके अंदर कौन सा प्रॉफिट आता है बता दिया, कौन सा सरप्लस वगैरह। नेक्स्ट आ जाते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज पे। अब ये नॉन करंट लायबिलिटीज क्या बोला है, ये वो लायबिलिटीज हैं जो आपको ऑपरेटिंग साइकिल के बाद चुकानी है। मैंने आपको सिखाया सीएसके मंडेज के अंदर ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है। अगर आप ऑपरेटिंग साइकिल के बाद पे कर रहे हो तो वो नॉन करंट लायबिलिटी है। फिर वो चाहे क्रेडिटर्स ही क्यों ना हो, याद रखना अगर ऑपरेटिंग साइकिल के बाद पे करोगे तो वो नॉन करंट लायबिलिटी है। हुआ मत बनाना कि क्रेडिटर्स नॉन करंट नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। ट्रेड पेबल्स पूरे के पूरे, आउटस्टैंडिंग कोई भी चीज पूरी की पूरी नॉन करंट हो सकती है अगर ऑपरेटिंग साइकिल के बाद पे करोगे। विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल पे करोगे तो वो क्या होगा, करंट। उसके बाद पे करोगे तो क्या होगा, नॉन करंट। अब आपको भी मालूम है कि कुछ ऐसे लोन्स आप लेते हो, बोरो करते हो पैसा, बैंक से लेते हो तो बैंक लोन, पब्लिक से लेते हो तो आइदर पब्लिक डिपॉजिट और डिबेंचर्स, ठीक है। वो पैसा आपने लिया है, अब आपके दिमाग में चल रहा है कि हो सकता है मेरी ऑपरेटिंग साइकिल अभी 24 मंथ की है, मैं 24 महीने तक लगातार प्रोडक्शन करना चाहता हूं, मैं अपनी बिजनेस एक्टिविटीज करना चाहता हूं, और इसके बीच में मैं गलती से भी अभी लोन रीपे नहीं करना चाहता, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं दूंगा शायद 72 मंथ बाद। तो क्योंकि आप ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर लोन पे नहीं कर रहे, इसलिए वो लोन जो आपने ले रखा है, एडवांसेस जो आपने ले रखे हैं, बोरो कर रखे हैं, वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर आ गया। अब नेक्स्ट आते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड मींस डिलेड या फिर लेट, टैक्स मतलब जो आपने टैक्स नहीं दिया है, बिकॉज इट इज अ लायबिलिटी, उसके आगे लायबिलिटी जुड़ा हुआ है। सो व्हाट इज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, सपोजिंगली वही जो मैंने आपको बताया भी है पहले भी, नहीं बताया तो सुन लो यार, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, आपने एक कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इस साल में किया, आप उसके ऊपर ऑब्वियसली लायबल हो टैक्स पे करने के लिए, क्योंकि अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, तो आपको उस पर टैक्स तो पे करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो कहलाता है। प्लीज ये टर्मिनोलॉजी गलत नहीं है, चेक कर लेना, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, ठीक है। तो जो एज अ बिजनेस आपको टैक्स पे करना है एज अ कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, वो आपने अभी पे नहीं किया, सम और द अदर रीजन आप जानते हो कि आप अभी पे कर भी नहीं पाओगे, आपने उसको नेक्स्ट ईयर में शिफ्ट कर दिया, बिकॉज यू विल बी पेइंग इट टू द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट ऑपरेटिंग साइकिल, आप इस ऑपरेटिंग साइकिल में somehow पे नहीं कर पा रहे हो वो टैक्स लायबिलिटी जो इस साल गुड्स बेचने से आई है। इस साल गुड्स बेचे तो टैक्स लायबिलिटी इसी साल की है, कर तो देना चाहिए था इसी साल पे, आप अगले साल में पे करने वाले हो। अब क्योंकि आप अगले साल पे करोगे, इस साल तो वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगी, अगर इसी साल के अंदर अंदर पे हो जाती तो करंट लायबिलिटी थी, इस साल के अंदर पे नहीं हो रही, अगले साल कैरी फॉरवर्ड करना है, क्या बन गई वो चीज, नॉन करंट लायबिलिटी। तो सर एक क्वेश्चन आता है, करंट लायबिलिटीज फिर कौन सी होती हैं? भाई आपका 24 मंथ का ऑपरेटिंग साइकिल है कि नहीं है, आपने क्रेडिटर्स दिखाए कि आप उसे 23rd मंथ में पे करोगे, तो ऐसा तो है नहीं कि 23rd मंथ सीधे आ जाएगा, बीच में अकाउंटिंग ईयर आएगा कि नहीं आएगा 12 महीने में, वहां पे आपको बताना पड़ेगा कि ये जो 23rd मंथ में लायबिलिटी पे करने वाले हो ये करंट है या नॉन करंट है, बिकॉज ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पे हो रही है, इसलिए यह लायबिलिटी करंट लायबिलिटी होगी। आया समझ में? 24 महीने से बाहर गई तो नॉन करंट होगी। आ जाते हैं फिर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस पे। जैसे भाई आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रिएट करते हो, और भी काफी सारे प्रोविजंस जो क्रिएट करते हो वो प्रोविजन फॉर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस या प्रोविजंस फॉर द लायबिलिटीज विच विल बी अराइजिंग, उनके लिए जो भी आप प्रोविजंस बनाते हो वो इसका पार्ट होते हैं। कुछ खास नहीं है तो मैं अभी उसको डिस्कस करना जरूरी भी नहीं समझता। चलो एक बार लास्ट रिवीजन फाइनली फिर से, क्योंकि मेरा काम है याद कराना और आप जानते हो कि मैं सांस नहीं लेता जब तक आप लोग याद ना कर लो। तो सबसे पहला हेड इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंदर तीन मेजर हेड। पहला जल्दी से बोलो शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा जोर से बोलो नॉन करंट लायबिलिटीज, तीसरा दबा के बोलो करंट लायबिलिटीज। ये तीन हो गए। अब शेयर होल्डर्स फंड का सबसे पहले दो सब हेड शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, राम कहानी मालूम है, आगे बढ़ते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, याद हो गया। लास्ट आ जाते हैं करंट लायबिलिटीज पे।
करंट लायबिलिटीज के अंदर जो मैं अभी बता रहा हूं उसी हिसाब से याद कर लो। सबसे पहले शॉर्ट टर्म लोन्स या शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, फिर एक चीज चेंज हो जाती है और करंट लायबिलिटीज के अंदर एक चीज बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत कॉमनली दिखती है, जल्दी से नोट डाउन करो। करंट लायबिलिटीज के अंदर मैं यहां दिखाना जरूरी नहीं समझता करंट लायबिलिटीज को, इसलिए शायद नहीं लिखा है। तो मैंने सेकंड चीज जो बोली है वो है ट्रेड पेबल्स, उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज या अदर करंट लायबिलिटीज, जो भी आप उसे बोलना चाहो। हो गया यहां तक, सांस ले लो 2 सेकंड की, मुझे कर दो पॉज, मैं आपको एसेट्स बताना चालू कर रहा हूं। अब हमारी दुविधा यहां से चालू होती है। तो भाई लोग, सब लोग मेरे साथ याद करेंगे, सबसे पहला एसेट्स के अंदर हेड 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। प्रॉब्लम कहां आती है नॉन करंट एसेट्स के अंदर? अच्छी बात याद रखने के लिए क्या है, नॉन करंट एसेट का सबसे पहला हेड सबसे पॉपुलर हेड है और वो कहलाता है फिक्स्ड एसेट्स, क्योंकि ये हमने 11th में पढ़ रखे हैं फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं। तो नॉन करंट के अंदर सबसे पहला हेड आ गया फिक्स्ड एसेट। ये जो फिक्स्ड एसेट होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। यहां पे दिख रहे हैं 4 प्रकार के, लेकिन 2 प्रकार के कैसे? आपके पास जो फिक्स्ड एसेट्स होंगे, पहला होगा टेंजिबल, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा, प्लांट एंड मशीनरी, जो आपके प्रमाइसेस हैं, मतलब पूरा आपका एरिया है, बिजनेस एरिया जो है, बिल्डिंग आपने कंस्ट्रक्ट करके रखी है, वेयरहाउस, टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल हो जाते हैं पेटेंट्स, आपका कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जो कि आपके पास, जिसका पेटेंट राइट है, कॉपीराइट, कोई आर्टिस्टिक वर्क है, या ट्रेडमार्क, आपका कोई लोगो है, डिजाइन है, ब्रांड नेम है, वो आपका ट्रेडमार्क है। ये सारी चीजें इनटेंजिबल हैं, जिनके लिए आपके पास राइट्स हैं लेकिन वो एक्चुअल में फिजिकली दिखते नहीं हैं। फिर ये बाकी की 2 चीजें क्या हैं? पहला कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। देखो यार, आधी कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग जो है वो आपका टेंजिबल एसेट का पार्ट नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट फिनिश्ड येट। इसलिए अगर आधी बनी हुई बिल्डिंग है, अनकंस्ट्रक्टेड है या सेमी कंस्ट्रक्टेड है, आप उसको नाम क्या दोगे? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये तो हो गई पहली चीज। अब ये इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट क्या है? मैं जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करूं, काफी ऐसी कंपनीज हैं आज के टाइम में, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर, जो कि काफी सारे इन्वेंशंस अपने नाम करके रखना चाहती हैं, जिन पे आज भी वो काम कर रही हैं। हो सकता है मे बी वो टेक्नोलॉजी आज से 5-10 साल दूर हो, लेकिन आज भी उनके पास उसका पेटेंट राइट है अभी से, सो दैट दे कैन स्टार्ट डेवलपिंग दैट टेक्नोलॉजी। अभी वो पेटेंट राइट के लिए उन्होंने अप्लाई करके रखा है तभी, क्योंकि उनके पास वो राइट नहीं है, बिकॉज उनके पास वो टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं है। तो वो जो सिर्फ एक ग्राफिकल डिजाइनिंग होती है, जिसके राइट्स उनके पास अभी आए हुए रहते हैं, वो कहलाते हैं इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। इट इज नॉट इन रियल वर्ल्ड, अभी तक मार्केट में नहीं पहुंचा है, लेकिन उस पर काम चालू है। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, जो भी टेक्नोलॉजी आप डेवलप कर रहे हो पेटेंट के अंदर आती है, और अगर वो अभी तक कंस्ट्रक्ट नहीं हुई है, अभी तक पूरी तरह से डिजाइन नहीं हुई है, वो इसका पार्ट होगी। सीखे 4 किसके अंदर? फिक्स्ड एसेट के अंदर। तो पहले तो 3 मेजर हेड करते हैं। 3 मेजर हेड कैसे? देखो भाई, एसेट्स वाला है ना, जो एसेट्स है पहला, एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट के अंदर फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट के अंदर 4 पार्ट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, बच्चों वाली बात है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। आपको लॉजिक समझ में आ गया, तो फिक्स्ड एसेट कंप्लीट। अब आते हैं बाकी पार्ट में, क्योंकि मैंने आपको फिक्स्ड एसेट बहुत डिटेल में बता दिया है। उसके बाद भी जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं वो सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स तक नहीं रुकते हैं, उसके बाद जैसे आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ये वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आपने एक से ज्यादा ऑपरेटिंग साइकिल के लिए करके रखे हैं, मे बी किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद लिए होंगे, मे बी किसी और कंपनी में किसी और तरीके से इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा, मे बी कुछ और होगा। इन्वेस्टमेंट्स कैन बी इन मैनी वेज, और अगर वो आपने एक ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा के लिए करके रखा है, नॉन करंट हो जाएगा। फिर आ जाते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट पे। अगर आपने टैक्सेस जो हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा पे कर दिए, जस्ट ऑपोजिट टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, इफ यू हैव पेड द टैक्सेस इन एक्सेस, ओवरपेड टैक्सेस जो होते हैं आपके, वो डेफर्ड टैक्स एसेट्स का पार्ट हो जाएंगे, बिकॉज आपको इसी ऑपरेटिंग साइकिल में तो वो पैसा वापस नहीं मिलेगा, आपको मे बी नेक्स्ट ऑपरेटिंग साइकिल में पैसा मिलेगा वापस, इसलिए वो डेफर्ड टैक्स एसेट पार्ट हो गया किसका? नॉन करंट एसेट्स का।
चलो आगे देख लेते हैं। एक बहुत बेसिक सी चीज है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। जहां एडवांसेस टर्म जुड़ गया वहां पे सीधे सीधे मतलब हो गया कि ये जो पैसा है ये आपने किसी को एज अ लोन और एडवांसेस दे रखा है। सो फॉर यू इट इज एन एसेट। वाई? बिकॉज कभी ना कभी वो पैसा मिलेगा वापस और मे बी आप उस पर अच्छा खासा इंटरेस्ट भी अर्न करोगे। एंड बिकॉज इट इज मोर देन दी ऑपरेटिंग साइकिल, उससे ज्यादा है, इसलिए नॉन करेंट है। फाइनली अन्य अदर नॉन करेंट एसेट्स, इसके अलावा जो भी नॉन करेंट एसेट्स मिस हो गए हो वो इसके अंदर आ जाते हैं। तो हमने क्या याद किया, फिर से एक बार रिवाइज करवाऊंगा लास्ट टाइम। चलो एसेट्स के अंदर सबसे पहले नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स के अंदर टोटल पांच हेड हैं, मेजर मेजर मेजर। पहला फिक्स्ड एसेट, दूसरा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, तीसरा डेफर्ड टैक्स एसेट, चौथा लोन्स एंड एडवांसेस लॉन्ग टर्म वाले, और पांचवा अन्य। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर चार पार्ट हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। आ जाते हैं हमारे करंट एसेट्स के अंदर, जिसके अंदर एक चीज जैसे करंट लायबिलिटीज के अंदर चेंज हुई थी, करंट एसेट्स के अंदर भी वो चेंज हो जाएगा। और वो क्या है? वो है ट्रेड पेबल, करंट लायबिलिटी में था तो ट्रेड रिसीवेबल किसके अंदर हो गया? करंट एसेट के अंदर हो गया। और क्या चेंज आया? एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का चेंज आया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जब मैं बोलता हूं तो कैश मतलब कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दोनों होता है। गलती से भी कैश का मतलब सिर्फ हाथ वाला कैश मत समझ लेना, बहुत पुराने जमाने में जी रहे हो अदरवाइज। कैश का मतलब बैंक में रखा हुआ पैसा भी इंक्लूडेड होता है एज पर दी एक्ट। दो चीजों का करंट एसेट्स के अंदर ज्ञान और जरूरी है। एक हो गई इन्वेंट्रीज, मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक आप पिछले साल तक सुनते आते थे, इस साल उसका फॉर्मल एंड ऑफिशियल नेम है इन्वेंट्रीज। तो आप जब भी बोलेंगे आप उसको स्टॉक नहीं बोलेंगे, आप उसको इन्वेंट्रीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? इन्वेंट्रीज बोलेंगे। ठीक है, सीख लिया। दूसरा आपको एक करंट इन्वेस्टमेंट और ध्यान में रखने वाली चीज है, मतलब करंट एसेट के अंदर जल्दी से बोलो, चार चीजें सीखी। पहला ट्रेड रिसीवेबल सीखा, दूसरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तीसरा इन्वेंट्री सीखा, और चौथा करंट इन्वेस्टमेंट सीखा। भाइयों बधाई हो, आपने सीख ली है बैलेंस शीट, जिसको अच्छे अच्छे को याद करने में पसीने छूट जाते हैं। और याद रखना, बिना इस बैलेंस शीट के श्री गणेश नहीं हो सकता है आपकी अकाउंट्स की बुक का, फिर भले ही आप पार्टनरशिप कर रहे हो या कोई और चैप्टर कर रहे हो, बिकॉज ये आपकी लाइफ टाइम का बेस है व्हेन इट कम्स टू अकाउंटेंसी। दोस्तों बिना लाइक किए मत जाना, क्योंकि आपके लाइक से बाबा जी की छाती हो जाती है चौड़ी। सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ताकि हम जब हैशटैग बीजेपी फ्राइडेज के साथ आए, मतलब बिना जुगाड़ पढ़ाई के साथ, तो आपको नोटिफिकेशन का घंटा जरूर सुनाई दे जाए। और दोस्तों कुछ दान दक्षिणा में देना ही चाहते हो तो फैला दो नाम कॉमर्स बाबा का, ताकि आपकी तरह दूसरों का भी भला हो सके। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।